जिलाधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में बेसिक शिक्षा विभाग के समस्त ARP, SRG एवं खंड शिक्षा अधिकारियों की मासिक समीक्षा बैठक बुधवार को NXC भवन सभागार में संपन्न हुई। बैठक में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के धनंजय सिंह, BSA रमेंद्र कुमार सिंह, सर्व शिक्षा अभियान के जिला समन्वयक विवेक जायसवाल सहित संबंधित अधिकारी और शिक्षक मौजूद रहे। बैठक में जिलाधिकारी ने ब्लॉक वाइज शैक्षणिक एवं प्रशासनिक तथ्यों पर साप्ताहिक क्विज, प्रेरणा लक्ष्य ऐप, दीक्षा प्रशिक्षण, मिशन प्रेरणा से संबंधित पुस्तकों के विवरण की स्थिति की समीक्षा की। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने जनपद की स्थिति पर संतोष व्यक्त किया। बैठक में जिलाधिकारी ने प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक की आपस में विद्यालय स्तर पर बैठक, संकुल की नियमित बैठक, ब्लॉक स्तर पर प्रधानाध्यापकों की नियमित बैठक, कक्षा कक्ष में आवश्यक सामग्री की उपलब्धता, शिक्षक डायरी की उपलब्धता, सहज पुस्तिका का वितरण, पुस्तकालय को क्रियाशील करना एवं प्रत्येक दिन लाइब्रेरी और का संचालन, विद्यालय में अध्यापकों की नियमित एवं समय से उपस्थिति, आगामी सोमवार को रीडिंग मेला का आयोजन, कक्षा 1 से 3 तक समृद्ध मॉड्यूल से पठन पाठन, छात्र नामांकन बढ़ाना मुख्य उद्देश्य ही नहीं बल्कि उपस्थिति पर भी ध्यान देने, छात्रों के मूल्यांकन के पश्चात प्रेरक बालक व बालिका के अभिभावकों को सम्मानित करने, शिक्षा चौपाल का आयोजन, दीक्षा पोर्टल पर उपलब्ध कोर्स पूर्ण करने सहित सभी शिक्षकों को पुस्तकालय को क्रियाशील करने सहित अन्य निर्देश दिए गए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, आज क्या दिन है? आज 29 है, मंडे को रीडिंग मेला था, रीडिंग मेला उसके लिए जुड़ने का टाइम था, मतलब मंडे पूरा दिन बच्चे से सहज किताब और लाइब्रेरी किताब पढ़े, रीडिंग मेला कभी हुआ है आप लोग प्रणाम करते हैं, पहले रीडिंग सीखता है उसके बाद सीखने के लिए रीडिंग करता है, रीडिंग क्या है, कहाँ से आए उनको रीडिंग आ गया फिर वह पाठ्य पुस्तकालय पुस्तक अपने आप पढ़ समझ लेना, इससे ये करना जरूरी है और ये बात तो मैं बता रहा हूँ, आगे से ये ऑटो मोड पे चलना चाहिए, आपके आपके माध्यम से चलना चाहिए, ठीक है। किताब है कितनी अच्छी किताब है आपने देखा होगा, एनसीईआरटी ये नियमित रूप से चलना चाहिए नहीं, तो आप बस ये देखिए मैं तो गुस्सा दबा रहा हूँ। रूप से हर माह हम बैठक लेते हैं डायट के अध्यक्षता में, BSA, CDO और हम लोग सभी हमारे ARP, SRG और डायट मेंटर्स के साथ बैठक लेते हैं, शैक्षिक गुणवत्ता के बारे में विस्तृत चर्चा होती है, जो सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के विजिट्स हो रहे हैं, शिक्षक संकुल की बैठकें हो रही हैं, हेडमास्टर्स की बैठकें होती हैं, उसमें जो समस्याएं आती हैं उसका निदान करना, उसमें नीतिगत बातें अगर हैं तो उसके बारे में निर्णय लेना, साथ ही साथ जो अच्छे प्रयास हो रहे हैं, सफलता की कहानियाँ हो रही हैं उसमें उसके से एक दूसरे को सीखने की बात भी होती है, और शैक्षणिक गुणवत्ता को सुधार करने के लिए विभिन्न सामग्रियां जो प्रेषित हुई हैं उसके अंगीकरण कैसा हो रहा है इसके बारे में जायजा लेते हैं, और उसके आधार पर अगले माह के लिए गतिविधियां और कार्ययोजना तय होता है, और इस तरह निरंतर सुधार होता रहता है। अभी ये हर्ष का विषय था कि सभी ARPs द्वारा नियमित रूप से बैठकें की जा रही हैं, शिक्षक संकुल की बैठकें हो रही हैं, इससे निश्चित रूप से हमारे परिषदीय विद्यालयों में शैक्षणिक परिवेश में और विभिन्न घटकों में और सुधार होगा।